वायनाड पहुंचे राहुल गांधी के 10 सेकंड के वीडियो ने जीत लिया पूरी दुनिया का दिल। फिर जो हुआ, उड़ गए सभी के होश। जी हाँ, आपको पिछले की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी मंगलवार देर शाम वायनाड पहुंचे, जहां पर उन्होंने भव्य रोड शो भी किया। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी कंधे से कंधे मिलाकर नजर आई। अब इसी बीच राहुल गांधी का एक 10 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के बीच एक स्टेज पर विकलांग व्यक्ति पहुंचता है, जिसे राहुल गांधी काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आते। वहीं विकलांग व्यक्ति के हाथ में एक तस्वीर भी है, जिसमें राहुल गांधी का तस्वीर बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी उस व्यक्ति के हाथ कंधे पर हाथ रखकर काफी देर तक बातचीत करते और लास्ट में उन्हें एक प्यारा सा किस देते हुए नजर आते। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का ये 10 सेकंड का वीडियो दिखाते, जो इस समय दुनिया में तहलका मचा रहा है। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी और विकलांग व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है, और लगातार ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। वहीं कांग्रेस के द्वारा इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा गया कि आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जी हां, आपको पता चलेगी जिस तरीके से राहुल गांधी कल देर शाम वायनाड पहुंचे, यहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही लाखों की तादाद में जनता का प्यार बेशुमार मिला। और इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ बस पर चढ़कर नजर आई, और लगातार भाई बहन ने हाथ मिलाकर लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे, अब आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।